हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स, और फिजिक्स में हमारा रहेगा चैप्टर नंबर चार हम जो पढ़ रहे थे वैद्युतधारिता, आज हम वैद्युतधारिता के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो तो काज पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपका? ये दिया हुआ है, एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। ठीक है, ये दिया है, एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। चालक की धारिता ज्ञात कीजिए, चालक की धारिता निकालनी है। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है, एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर, तो विभवांतर दिया हुआ है वी बराबर 100 वोल्ट, और उसके बाद इसमें कहा है इसे 2 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाता है, तो क्यू बराबर दिया है 2 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 10^-6 कूलाम। ठीक है, उसके बाद क्या है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए कितने होंगे। धारिता मतलब हमें सी का मान निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे क्यू बराबर सी वी, क्यू का मान हमारे पास गिवेन है कितना है 2×10^-6, सी हमें निकालना है, वी का मान दिया है 100, ये गुना वाला है बटे में आएगा तो सी बराबर आ जाएगा 2×10^-6 बटे 100, तो सी बराबर आ जाएगा 2×10^-6, 100 को हम लिख सकते हैं 10^2 प्लस के, जब ऊपर जाएगी माइनस के होगी और 6 ये हैं और 2 ये माइनस के, कितनी हो जाएंगी 8, तो 2×10^-8 फेरेड। तो पूछ रहा था कितनी धारिता होगी 2×10^-8 फेरेड होगी, 2×10^-8 फेरेड होगी। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड में दिया हुआ है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, उसके बाद क्या कहा, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। ठीक है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा, तो सबसे पहले एक गोले की, धातु के गोले की त्रिज्या दी हुई है आर बराबर, कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर दी हुई है, कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ये कहा 1 कूलाम आवेश देने पर, तो चार्ज जो है वो कितना है 1 कूलाम है, यानी कि आवेश 1 कूलाम दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इसका वैद्युत विभव कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है वी बराबर 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ये जो दूरी होगी ये त्रिज्या के बराबर होगी, दूरी किसके बराबर लेंगे त्रिज्या के बराबर, तो जाएगा वी बराबर 1/4πε0 का मान होगा 9×10^9, क्यू का मान कितना है 1, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 1×10^-2 मीटर, आर का मान रखेंगे 1×10^-2, माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस, वी बराबर आ जाएगा 9×10^9×1×10^+2, तो वी बराबर 9×10^9 और 2 कितना हो जाएगा 11 वोल्ट, कितना हो जाएगा 11 वोल्ट। वीडियो को पॉज करें और न्यूमेरिकल को नोट करें, सॉल्यूशन न्यूमेरिकल का, वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन नोट कर लें। ठीक है, अगला जो न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर छः में क्या दिया है, अभी न्यूमेरिकल में पढ़ दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल में कहा है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता का परिकलन ज्ञात कीजिए। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता का परिकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा इसमें, परिकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी गोलीय चालक की धारिता सी बराबर 4πε0×K×R, के होता है परावैद्युतांक पदार्थ, पर यहाँ नहीं दिया हुआ है इसलिए के स्थान पर हम मान लेंगे यहाँ फ्री स्पेस या फिर एयर है, सो K=, हम पढ़ेंगे 1, तो जाएगा सी बराबर 4πε0×R, R है यहाँ रेडियस मतलब त्रिज्या, तो इसने कहा है क्या 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता, तो सबसे पहले हम देख लेंगे त्रिज्या आर बराबर कितनी दी हुई है 9 किलोमीटर दी हुई है, कितनी दी है 9 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 9×10^3, आपको पता होना चाहिए किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 का मतलब होता है 10^3, 1000 का मतलब क्या होगा 10^3, 1000 का मतलब होगा 10^3, तो इसलिए इसमें गुणा करेंगे 10^3 से, देन C=4π
एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यू नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9×10^9, दोनों तरफ से रेसिप्रोकल करेंगे, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9×10^9 पुट करेंगे यहाँ, तो सी इक्वल टू आएगा 1/9×10^9 और आर की वैल्यू मेरे पास है कितनी है 9 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके आया है 9×10^3, इससे पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे 9 से 9, तो सी इक्वल टू आएगा 1/10^6, इसको लिखेंगे 10^-6, तो पूछ रहा था इसकी धारिता कितनी होगी, कितनी होगी बच्चों इसकी धारिता, इसकी धारिता होगी बच्चों 10^-6 फैरड होगी, कितनी होगी 10^-6 फैरड होगी, ठीक है। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं और न्यूमेरिकल, अगला जो न्यूमेरिकल है उसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुने जरा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है क्या, इसने कहा है आसूत जल की, न्यूमेरिकल नंबर 9, आसूत जल की 64 छोटी बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है, उस पर आवेश जो है 2/3×10^-12 कूलम है, इनसे मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा है कि आसूत जल की 64 छोटी बूंदें इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, इसका मतलब क्या होगा कि 64 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। और मान लेंगे, माना छोटी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर व बड़ी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल क्यू तथा बड़ी बूंद पर कैपिटल क्यू, मान लो छोटी बूंद पर कैपिटल, छोटी बूंद के लिए स्मॉल लो और बड़ी बूंद के लिए लो कैपिटल, ठीक है, ऐसा कर लो। तो छोटी बूंद पर जो आवेश होगा स्मॉल क्यू और बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने त्रिज्या ली, छोटी बूंद की त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल आर है, बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, और छोटी बूंद पर जो आवेश है वो है स्मॉल क्यू और बड़ी बूंद पर जो आवेश है वो है कैपिटल क्यू। तो इसमें क्या कहा है, 64 छोटी बूंदें से एक बड़ी बूंद बन रही है, मतलब क्या हुआ 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन, ठीक है। तो 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का, तो 64 और एक छोटी बूंद का आयतन क्या होगा 4/3 बूंद जो होगी स्फीयर की फॉर्म में होगी, तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, बड़ी बूंद का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ये कैंसिल आउट होंगे तो जाएगा 64 r³ बराबर आ जाएगा यहाँ से r³, इसको हम लिख सकते हैं 4r³ बराबर यहाँ से r³, दोनों तरफ से क्या करेंगे क्यूब रूट लेंगे, तो आ जाएगा यहाँ से 4r=r, ये आ जाएगा यहाँ से r=4r। पर इसमें कुछ चीज़ें गिवन हैं वो हम देख लेते हैं। इसने कहा है छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो 0.1 मिलीमीटर है, छोटी बूंद की त्रिज्या मतलब स्मॉल आर कितना दिया है 0.1 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो जाएगा r छोटे r का मान 0.1, तो r बराबर आ जाएगा 0.4 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो r बराबर 0.4×10^-3 मीटर, 0.4×10^-3 मीटर होगा, ठीक है साहब। उसके बाद क्या कहा इसने, आवेश जो है वो 2/3×10^-12 कूलम है, ठीक है, छोटी एक बूंद पर आवेश, ठीक है, और छोटी एक बूंद पर आवेश मतलब स्मॉल क्यू कितना है 2/3×10^-12 कूलम है, ठीक है, क्यू बराबर है 2/3×10^-12 कूलम है, 2/3×10^-12। अब हमें बड़ी बूंद पर आवेश निकालना है, किस पर निकालना है, बड़ी बूंद पर। सपोज यहाँ देखिए जरा छोटा सा डायग्राम, ये छोटी बूंद इन सब पर आवेश, तो आप सभी ने पढ़ा है आवेश की योज्यता,
अगर छोटी छोटी बूंदों के आवेश को हम जोड़ लें तो किसका आवेश आ जाएगा? बड़ी बूंद का आवेश। किसका आ जाएगा? बड़ी बूंद का। मतलब क्या है? एक बड़ी बूंद का आवेश बराबर एक बड़ी बूंद का आवेश क्यू बराबर 64 छोटी बूंद, मतलब 64 गुना एक छोटी बूंद का 2/3 गुना 10^-12। 64 × 128 / 3 गुना 10^-12 कूलम होगा। न्यूमेरिकल में क्या कहा लास्ट में? बड़ी बूंद पर विभव की गणना कीजिए। तो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0, ये होता है Q/R। वैल्यू पुट करेंगे ये होगा 9×10^9 और Q आवेश है 128/3 गुना 10^-12 / R का मान भी दिया हुआ है। कितना निकाल लिया था आपने? 0.4 गुना 10^-3। इसके पास जाएगा तो V बराबर आ जाएगा 3×3=9, ये हो जाएगा 3×128। यहाँ से देखेंगे 10^-12 और 10^+9, 12 में से 9 घटाएंगे तो 10^-3 और बटे में कितना है भाई? 0.4 और गुणा 10^-3, ये कैंसिल आउट होंगी तो यहाँ जो आएगा वो आएगा 3×128/0.4। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 4 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, यह जाएगा यहाँ से 4×3=12 और 4×2=8, तो जाएगा 30×32 या जाएगा 3200 और 3×2=64, 640 वोल्ट होगा। कितना होगा? 640 वोल्ट। तो पूछ रहा था बड़ी बूंद पर आवेश की गणना कीजिए, तो बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा 640 वोल्ट होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और न्यूमेरिकल जो भी सॉल्यूशन है इसका, इसको नोट करें न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को नोट करें। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या गया है सुनेंगे ध्यान से। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 cm² है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 N प्रति कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। ये क्या कहा इसने? एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, पहली प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर कितना दिया है? 50 cm². सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो जाएगा 50×10^-4 m². उसके बाद आगे क्या कहा इसने? इसमें कहा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 N प्रति कूलम है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं, यह है 75 N/कूलम। इसमें कहा है प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है, कितनी होगी? तो सबसे पहले प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E बराबर σ/ε0। कितना होता है? E बराबर σ/ε0 होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ E की वैल्यू पुट करेंगे और सिग्मा को फाइंड आउट करेंगे, और सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। कितना होता है? Q/A, तो पुट कर लो तो E बराबर आ जाएगा Q/A ε₀। कितना आ जाएगा? Q/A ε₀। ठीक है, यह आपने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया है। एक बार हम प्लेटों के बाहर, एक बार हम प्लेटों के अंदर निकालते थे। ठीक है, अगर समान चिन्ह है तो आपको पता प्लेटों के बाहर शून्य, अंदर होता है E बराबर σ/ε0 दोनों प्लेटों के कारण। अगर एक एक प्लेट का निकालते हैं तो होता है σ/2ε₀। अगर बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा के। कौन आएगा मल्टीप्लाई में? के आएगा। ठीक है साहब, तो आ जाएगा E बराबर, E की वैल्यू पुट करेंगे, E की वैल्यू है 75 बराबर, Q का मान हमें निकालना है आवेश, और A हमारे पास है 50×10^-4 और ये होगा 8.85×10^-12 बटे वाला गुणा में जाएगा, तो जाएगा यहाँ से Q बराबर 75×50×10^-4 8.85×10^-12। तो 12 और 4 जुड़ के 10^ कितने हो जाएंगे? 16, तो जाएगा 75×50×8.85×10^-16। कितना होगा? 10^-16। ठीक है,
तब क्यू बराबर, सोल्व कर दो उसको, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 75 की और 50 की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, तो जाएगा हमारा ऐसे लिख लेंगे इसको 75 × 5 × 10 और ये 8.85 × 10⁻¹⁶, ये पावर एक, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 16 में से घटाएंगे कितने आएंगे 15, तो क्यू बराबर आ जाएगा 75 × 5 × 8.85 × 10⁻¹⁵ दशमलव को और इधर करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू बराबर देखिए ज़रा, यहाँ अभी दशमलव है, एक अंक इधर लेगा हो तो 75 × 0.5 × 8.85 × 10⁻¹⁴। अब की बार इसमें दशमलव यहाँ दो अंक इधर लाएंगे तो दो घात और घटेंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा 0.75 × 0.5 × 8.85 × 10⁻¹². इतने कूलाम का होगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्यू बराबर 3.24 × 10⁻²। इसके समथिंग आंसर आएगा जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। न्यूमेरिकल नंबर 11 है, दो बड़ी, ध्यान से सुने, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। दो बड़ी और पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर, ठीक है, पैरेलल रखी हुई है। प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है साहब, आवेश पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा लिखते हैं, तो सिग्मा बराबर दिया है 1.770 × 10⁻¹⁰ इतने कूलाम पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, ये विपरीत चिन्हों की है तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, विपरीत चिन्हों की है तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई का मान पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। अगर प्लेटों के बाहर पूछता है तो सुनने, क्योंकि दोनों विपरीत चिन्हों की हैं तो प्लेटों के बाहर सुनने होगा और अंदर मिलेगा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बाय द वे दोनों समान चिन्हों की है तो क्या होगा, अंदर सुनने होगा और बाहर मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे 1.770 × 10⁻¹⁰ बटे एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 8.85 × 10⁻¹² इससे इसकी घात कट जाएंगी तो ई बराबर आ जाएगा यहाँ से बच्चों, देखिए जरा 1.770 बटे कितना जाएगा 8.85 × 10⁻¹⁰ (⁻¹⁰) आएगा, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा ई बराबर 1.770 और ये जाएगा 10 / 8.85, इसकी गुणासमा करेंगे तो 17.70 / 8.85 और इसके लगभग दुगने के बराबर होता है तो ये आ जाएगा 2 N/C, कितना आएगा साहब, 2 N/C आएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और न्यूमेरिकल को नोट कर लें। उसके बाद इसमें और भी न्यूमेरिकल हैं, एक न्यूमेरिकल में बोल के बता दे रहा हूँ आपको, आपको खुद से करना है न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल खुद से करना है। लिखेंगे, नोट करेंगे सभी बच्चे इस न्यूमेरिकल को, लिखें 0.0, ध्यान से सुने 0.004 माइक्रोफेरेट धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में, समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कितने कागज की आवश्यकता होगी, है ना, बनाने में कितने क्षेत्रफल के कागज की आवश्यकता होगी, यदि कागज का परावैद्युतांक 2.5, यदि कागज का परावैद्युतांक 2.5 तथा मोटाई ध्यान से सुन लेंगे संख्याएं जो हैं, तथा मोटाई 0.0025 mm हो, ठीक है, 0.025 mm हो तो हमें कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वही सब फॉर्मूले यूज़ करेंगे। बाय द वे क्वेश्चन नहीं होता है तो उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट सेक्शन में नीचे शेयर करके बताएं कि सर ये न्यूमेरिकल नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी वो इन्हीं के न्यूमेरिकल से रहेगी, इनके जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है बच्चों। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर करें और जितना हो सके वीडियो को और बच्चों तक ज़रूर शेयर करें, जितना भी हो, ठीक है, ओके, थैंक यू।